पोपटलाल की ये बात भी सही है तो? अरे हाथी भाई, लेकिन अभी कोई लड़के वाले थोड़ी देखने आ रहे हैं। अरे नहीं आ रहे तो क्या हुआ, रिश्ता कभी भी आ सकता है। सही बात है। अब आप लोग ही बताइए, मैं अकेला क्या क्या करूं? खाना बनाऊं, सफाई करूं, पर मेरी तो पत्नी भी नहीं है। पता अकेले इंसान को जीने में कितनी तकलीफ होती है। पोपटलाल भाई, आपका एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है? कुछ मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं अभी इस कचरे का क्या करूं? अरे पोपट भाई, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। देखिए, हमारी सोसाइटी के नाके पर बड़ी सी कचरा पेटी है ना, आप उसमें कचरा डाल दीजिए। हम सब लोग 3 दिन से ऐसा ही कर रहे हैं। हाँ पोपटलाल, बबीता भी घर पर नहीं है, इसे रोज मैं ही नाके पर कचरा डालकर आता हूँ। यही तो गलत है ना। मैं हर महीने मेंटेनेंस भरता हूँ, तो मैं कचरा फेंकने क्यों जाऊँ? और वो भी नाके की कचरा पेटी में, जिसकी बदबू यहाँ सोसाइटी तक आती है। सोसाइटी तक क्या, घर तक आती है। देखा वहाँ कितना कचरा जमा हो गया। मैंने कल ही भिड़े को बोला था कि तुम उसकी कंप्लेन करो, तो कंप्लेन करनी चाहिए ना। भाई पोपटलाल की बात तो सही है। हाँ हाँ, तो लेकिन हाथी भाई, मैंने कंप्लेंट की थी। तो फिर तो क्या हुआ? ना कचरा गया, ना बदबू गई। अभी मैं या सोसाइटी का कोई और मेंबर बीमार हो जाएगा तो? किसी को डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया हो गया तो? ऐसा नहीं चलेगा। तुझे इस गंदगी का कोई ना कोई इलाज निकालना ही पड़ेगा, वरना आज मैं पूरी सोसाइटी को हिला दूंगा। ए डिब्बे, क्या हुआ? कब से तेरी मुंह हम सुन रहा हूँ, क्या परेशानी क्या है तुझे? चाचा जी, मेरी परेशानी ये कचरा, इसका क्या करूँ मैं? अरे क्या करूँ क्या, इस कचरे को उठा के नाके की कचरा पेटी में फेंक करा। मैं फेंक कर रहा हूँ? किसका घर का कचरा है? मेरे घर का है। तेरे घर का कचरा फेंकने तू नहीं जाएगा तो और कौन जाएगा? भिड़े भिड़े जाएगा। अरे भाई, मैं क्यों जाऊंगा कचरा फेंकने? क्योंकि ये तेरी जिम्मेदारी है। ए डिब्बे, तेरे घर का कचरा फेंकने की जिम्मेदारी भिड़े की कैसे हो गई? चल चुपचाप ये कचरा उठा और नाके की कचरा पेटी में फेंक कर आ। नहीं, मैं नहीं जा सकता। क्यों? चाचा जी जरा सोचिए, ये कचरा उठाकर मैं इसे फेंकने जाऊंगा और सामने से लड़की वाले आ गए तो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? बेड़ा, ये कचरा तू फेंक गया। ओ पोपटलाल, तुम कुछ भी बोलो, लेकिन मैं कचरा फेंकने जाने वाला नहीं हूँ। मैं एक शिक्षक हूँ, शिक्षक, मेरा भी कोई स्वाभिमान है। अच्छा, तो भाई मैं भी पत्रकार हूँ, मेरा भी स्वाभिमान है। वाह शाबाश, दोनों कब से बच्चों की तरह झगड़ा कर रहे हो, लेकिन दोनों में से किसी को ये नहीं होता कि उठा के ये कचरा नाके की कचरा पेटी में फेंक कर आए ताकि ये झगड़ा खत्म ही हो जाए। लेकिन नहीं, दोनों को स्वाभिमान आने आ रहा है। अरे चाचा जी, बाहर की कचरा पेटी की हालत देखिए, इतनी बदबू आती है कि इंसान बेहोश हो जाए। अब इस बात की कंप्लेन करके ये सारा काम करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? अरे मैंने कंप्लेंट की थी पोपटलाल, लेकिन चाचा जी सफाई कर्मचारी हड़ताल पे, तो मैं क्या करूं? मैंने बोला था उनको हड़ताल पे जाने के लिए। ये भी सही बात है। हाँ माँ, अच्छा तो एक काम कर, ये कचरा तू ही नाके पे जाकर फेंक के आ जा। मैं? सही बात है भाई। और तुम सब भी कब से खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो, लेकिन तुम सब में से किसी को ये नहीं होता कि जाके ये कचरा फेंक कर आए। चाचा जी, हम सब अपना कचरा खुद डाल के आते हैं। हाँ। तो पोपटलाल भाई ने भी अपना कचरा खुद डालना चाहिए ना। मा? क्यों जाना चाहिए? मैं हर महीने मेंटेनेंस भरता हूँ। पोपटलाल, हर महीने मेंटेनेंस हम भी देते हैं। तो आप लोग भी बोलो भिड़े को कि आपका कचरा फेंक क्या है। अरे एक घन चक्कर हो गया हो क्या, सबका कचरा मैं क्यों फेंकूंगा? क्योंकि तुम सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी हो। कितनी बार बोलूं मैं तुम्हें? अरे तो जिम्मेदारी है तेरी, समझ नहीं है? कब से बोल रहा हूं मैं? अरे ये क्या लगा रखा है? ला, ये कचरा मैं ही फेंक कर आता हूँ। ला और ये तेरे हाथ में क्या है? ला तेरा कचरा भी फेंक के आता हूं, ला। नहीं नहीं चाचा जी, ये मेरे घर का कचरा नहीं है, ये आपके घर का कचरा है। ये जेठालाल मेरे को दे के गया था। इसका मतलब जेठा कचरा फेंकने नहीं गया। आने दो शाम को उसे। चला ये कचरा मैं फेंक के। नहीं 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 चाचा जी, नहीं नहीं आप रहने दीजिए। देखिए ये कचरा मैं फेंक देती हूँ, आप रहने दीजिए। नहीं 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 दया भाभी, आप भी रहने दीजिए, बात कचरा फेंकने की है ही नहीं। चले मान लीजिए आज मैं जाकर कचरा फेंक के आता, लेकिन कल का क्या, परसों का क्या, कब तक ऐसा चलता रहेगा? मैं जिसको इसका हल ढूंढना चाहिए वो तो कुछ कर ही नहीं रहा। क्या नहीं करता मैं, क्या नहीं करता मैं, क्या हाल हूं, बोलू दे। चाचा जी आप ही बताइए कि मैं क्या करूं। मैं मालती बहन को मिलने गया था, मैंने उनको पूछा कि आप बीमार है तो दूसरा कोई आ सकता है क्या, उन्होंने मना कर दिया। अभी वो बाहर के कचरे की कंप्लेंट मैंने की थी, लेकिन सफाई कर्मचारी हड़ताल पे, तो मैं क्या करूं? पोपटलाल कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। चाचा जी आप बताइए कि आप मेरी जगह सेक्रेटरी होते तो आप क्या करते? बताइए चाचा जी, आप ही रास्ता बता दीजिए ताकि हमारी सोसाइटी के एक में वो सेक्रेटरी की बोलती बंद हो जाए। देखो फिलहाल तो इस कचरे की सही व्यवस्था कैसे करनी है उसका रास्ता नहीं है मेरे पास। देखा देखा पोपटलाल, इनके पास भी कोई रास्ता नहीं है। क्या चाचा जी आपके पास ही कोई रास्ता नहीं है तो फिर आप सलाह क्यों देते हैं? लेकिन मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि जब तक इस कचरे की सही व्यवस्था कैसे करनी है उससे। रुको रुको चाचा जी, चाचा जी अरे कोई रोको तो, अरे कोई तो रोको, कोई तो रोकोगे, कोई तो रोक। कौन है लेकिन? अरे भाई साहब जिस साइकिल से वो भागे ना वो मेरी ही साइकिल है। अरे भाई आपको साइकिल या कॉम्पाउंड में रखने की क्या जरूरत थी? और साइकिल रखी तो रखी, उसको ताला क्यों नहीं लगाया? बापूजी चला गया। ये सब भिड़ा तेरी वजह से हुआ, मेरी वजह से? अरे तुम्हारी वजह से हुआ, अरे मेरी वजह से झगड़ा करने आया। झगड़ा क्या? अपनी जिम्मेदारी नहीं बता रहे, अपनी जिम्मेदारी नहीं बता रहे, सुनना पड़ेगा ना। शायद हो जाए प्लीज। अब ये सोचे मैं टप्पू के पापा को अब क्या कहूँगी? जेठालाल के बारे में तो सोचा ही नहीं। अरे हाँ जेठालाल यहाँ आएगा तो सबसे पहले हमें ही पकड़ेगा। एक काम करते हैं, इस पूरे मामले के बारे में जेठालाल को अभी कुछ बताते ही नहीं है। हाँ। वरना वो हमारे 12 बजा देगा। हाँ। सही बात है दया भाभी, प्लीज प्लीज। मैंने कहा ना ऑफिस में जाने के लिए बहुत लेट हो रहा है, मैं चलता है। बाय पोपटलाल, अदरम बाय 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 बाय। अरे यार अरे कचरे की थैली यही रहेगी। बोलो कचरे की वजह से यहाँ पे महाभारत हुआ और वो कचरे की थैली यहीं पे रख के चला गया। अहो फिर से कचरा। जिस कचरे के कारण चाचा जी चले गए उस कचरे के कारण फिर से बुम बुम हो रहा है। अरे बुम बुम नहीं कर रहा हूँ रोशन भाभी, लेकिन अभी कचरा यहाँ पे रख के चला गया तो कचरा फेंकना तो पड़ेगा ना। एक काम करते हैं हम दोनों जाके कचरा फेंक के आते हैं, तो ये उठा ले भाई थैली। माता खाना और कोणाचे हो से। एक मिनट भाई साहब, ये जो टोपी और चश्मा वाला बुड्ढा है मेरी साइकिल लेके चला गया। अरे बुड्ढा नहीं कहो, बापूजी है वो। हाँ हाँ भाई हमारे चाचा जी हो, जरा तमीज से बात करो। तुम अभी ये रोको, वो थोड़ी देर में आ जाएंगे। हाँ कितनी देर में आ जाएंगे वो पता नहीं भाई, अभी आपने बोला कि थोड़ी देर में आ जाएंगे। अरे आ जाएंगे भाई, आप एक काम कीजिए अपना एड्रेस दे दीजिए, हम साइकिल आपको पहुंचा देंगे। अरे नहीं नहीं मैं कोई एड्रेस वड्रेस नहीं दूंगा, मैं बिना अपनी साइकिल लिए नहीं जाऊंगा यहाँ से। अरे भैया आप देख रहे हैं ना हमारे चाचा जी चले गए हैं, आप चिंता मत कीजिए आपकी साइकिल मिल जाएगी प्लीज। हाँ मिल जाएगी ना। देखो क्या जमाना है, अभी बापूजी चले गए और आपको अपनी साइकिल की पड़ी है। तो मेरे बापूजी कहाँ चले गए, मिल नहीं रहे। दया भाभी आप टेंशन मत लीजिए, चाचा जी का गुस्सा शांत होते वो वापस आ जाएंगे। हाँ सही बात है बाबा। शांत हो, शांत हो। चलो पोपटलाल इसे फेंक के आते हैं भाई, चलो चलो। दया भाभी हम जाके आते हैं, आप प्लीज जेठालाल को कुछ मत बताना। चलो चलो, चलो भाई। थैंक यू मेरे भाई। दया भाभी चिंता मत कीजिए, चाचा जी वापस आ जाएंगे। हाँ दया भाभी धीरज रखिए, हम सब आपके साथ हैं। सही बात है। दया भाभी आप प्लीज शांत हो जाइए। कि जब तक वो पूरी नहीं होगी वो नहीं आएगी। मुझे माफ करना सारे, पर मुझे टप्पू के बाबा को बताना पड़ेगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्या फोटो है तुम दोनों अच्छा, की दिखाइए दिखाइए। रब ने बना दी जोड़ी जैसी। अरे वाह, अरे वाह, कितने मस्त लग रहे हैं। नहीं नट्टू काका आप भी आ जाइए, साथ में सेल्फी लेते हैं। बागेश्वर जी हम तीनों की सेल्फी में चौथा कौन आ रहा है? चिल्ला क्या रहे हो? मैं हूँ। आ गए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग छोड़ो, ये क्या हो रहा है दुकान में? इसको तो मैं लाख बार कह चुका हूँ कि धंधे के टाइम पे दुकान में नहीं आने का, लेकिन ये जड़ भरत तो समझती ही नहीं है। आप दोनों तो समझदार हो के नहीं? ऑफ कोर्स सेठ जी, कोई शक? हाँ है, शकी है, अभी शकी हो रहा है। आप दोनों की वर्तणूक देख के आप पे शकी हो रहा है, आप पहले जैसे समझदार नहीं रहे अभी। लेकिन सेठ जी हमने क्या किया? क्या किया? अरे धंधे के टाइम पे बागी लड़की के साथ आप लोग सपली सपली खेल रहे और पूछ रहे क्या किया? मेरी जगह का कस्टमर आ गया होता तो? हाँ तो सेठ जी कस्टमर ही तो है। क्या है सेठ जी, बावरी जी ने अपना पुराना मोबाइल देख के नया मोबाइल खरीदा है, इसलिए वो अपने मोबाइल का कैमरा चेक कर रही थी। इसलिए सेठ जी आप बावरी को बागा के मंगेतर के नजरिए से मत देखिए, कस्टमर के नजरिए से देखिए। सेठ जी एक तो बावरी जी ने सुबह सुबह बोनी करवाई और आपने उन्हें ही डांट दिया। अरे पता नहीं चलता है ना ये कब कस्टमर बन के आती है और कब बावरी बन के आती है। आइडिया, एक काम कीजिए बावरी जी, आप दो टोपियां बनवाइए, एक पे लिखवाइए बावरी जी और दूसरी पे लिखवाइए कस्टमर। आप जब भी जो भी बन के आए वो नाम की टोपी पहन के दुकान में आ जाना। बागा, बागा, your idea is very good. Thank you. But there needs little bit of fine tuning. अच्छा, वो कैसे? मेरे हिसाब से दो टोपी का काम एक टोपी से हो सकता है। अच्छा, कैसे? टोपी के आगे लिखवाने का कस्टमर और पीछे लिखवाने का बावरी। जब भी जो भी रूप में दुकान में आए टोपी घुमा देने की। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। थैंक यू नट्टू काका, थैंक यू वेरी मच। एंजॉय माय चाइल्ड। तो बावरी जी कैसा लगा आइडिया? मुझे तो ये आइडिया बहुत अच्छा लगा बागेश्वर जी। तो टेपालाल जी, टेपालाल वहाँ है, गलती से मिस्टेक हो गई। मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि आपके ध्यान में है कोई ऐसा टोपी बनाने वाला जो मुझे टोपी बना कर दे? बागा है ना सेठ जी, मेरे ध्यान में है भरत भाई, भरत काम वाले, वो बावरी जी को टोपी पे मस्त एम्ब्रॉयडरी बना के देंगे। बागेश्वर जी फिर तो आप मुझे उनका एड्रेस सेंड कीजिए, मैं अभी जाकर टोपी बनवा कर आती हूँ। हाँ बावरी जी, मैं उनका एड्रेस आपको अभी एसएमएस कर देता हूँ। चलो हो गया। एक मिनट मैं दो चार फोटो और खींच कर कैमरा चेक कर लूँ। अरे भाई फोटो तो खींचे ना, वो फोटो तो आपने बिगाड़ दी ना। एक लास्ट फोटो। जल्दी करो जल्दी करो। अभी बागेश्वर जी आपके साथ भी। नहीं, कस्टमर को दुकान के स्टाफ के साथ शपली लेने की परवानगी नहीं है। लेकिन क्यों? कोई बात नहीं बावरी जी, शाम को जब आप कस्टमर नहीं बावरी जी होंगी और मैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का एम्प्लॉय नहीं बागा बन जाऊंगा तब सेल्फी ले लेना। ठीक है तो मैं चलूं? अरे पैसे सेठ जी पैसे दे दिए। अच्छा चलो बावरी, दोबारा कस्टमर बनके पधारना। ओके बाय बाय बागेश्वर जी, बाय बाय। हाँ बोल दया। अरे पहले वो पीछे मिक्सर चालू हो बंद कर भाई, उसकी बहुत जोर से आवाज आ रही है। अरे मिक्सर चालू नहीं है, मैं रो रही हूँ। तू रो रही है? क्या हुआ दया, क्यों रो रही है तू? अरे दया रोना बंद कर, तू बता क्या हुआ, क्यों रो रही है? पापा। हाँ बोल। बापू जी कहीं चले गए। चले गए? कहाँ चले गए? पता नहीं। अरे क्या बोल रही है दया, तू कुछ समझ में आया? ऐसा बोल। हाँ। इस कचरे की सही व्यवस्था कैसे करनी है, उसका रास्ता नहीं है मेरे पास। आपके पास ही कोई रास्ता नहीं है तो फिर आप सलाह क्यों देते हैं? लेकिन मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि जब तक इस कचरे की सही व्यवस्था कैसे करनी है उस सवाल का जवाब ढूंढ ना लूं, तब तक मैं चंपकलाल जयंतीलाल खड़ा इस सोसाइटी में वापस नहीं आऊंगा। मतलब बापूजी भिड़े और पोपटलाल की वजह से चले गए? मैं उन दोनों को छोड़ूंगा नहीं। दया तो चिंता मत कर, मैं भी घर आता हूँ। हाँ तू चिंता मत कर, बापूजी आ जाएंगे, हम ढूंढ निकालेंगे बापूजी को, तू बिल्कुल चिंता मत कर। हाँ मैं आ रहा हूँ दया, मैं आ रहा हूँ। ये भिड़े और पोपटलाल की खबर लेता हूँ। हते भाई, दया भाभी का घर पे जेठा भाई को फोन करने गई है। सत्यानाश, उनको बोला था कि जेठालाल को फोन मत करना, अभी जेठालाल हमारी बैंड बजाएगा। फोन नहीं उठा रहा है। बंद हो गई। माधवी चल कर दो यार, वासलो चल। अरे काय वासलो, अभी मुझे फोन कर रहा है जेठालाल। अरे तुम तो उठा लो पोपटलाल। नहीं आते भाई, मुझे गाली नहीं खानी। पोपटलाल ने मेरा फोन काट दिया। एक फोन उठा नहीं रहा है और दूसरा फोन काट रहा है। दोनों मुझसे बचना चाहते है लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं बच्चों। अभी सोसाइटी में आता हूँ, वहीं आकर तुमको पकड़ता हूँ। नटू काका मैं जरा घर जा रहा हूँ। सिग्गी बताइए ना क्या हुआ? अरे बापूजी गुस्सा होकर कहीं चले गए। क्या? तब मैं घर जा रहा हूँ, आप लोग दुकान संभाल लेना। अगर शाम तक मैं ना लौटूं तो दुकान बढ़ा के आप लोग निकल जाना, ठीक है? कोई बात नहीं सेठ जी, आप निश्चिंत होकर जाइए, दुकान हम लोग बराबर संभाल लेंगे। हाँ सेठ जी, और अगर आपको हमारी जरूरत पड़े तो हमें फोन कर देना, हम तुरंत आ जाएंगे। थैंक यू बागा, मैं आता हूँ। मित्रों जिस तरह से ज्वालामुखी गुस्से में भभकता है, ठीक उसी तरह जेठालाल इस वक्त गुस्से में भभक रहा है और तूफान बनके गोकुलधाम सोसाइटी की ओर निकल पड़े। और यहाँ भीड़ और पोपट डरे हुए और छुपने के लिए ठिकाना ढूंढे। और सबसे बड़ा कमाल तो चंपक चाचा ने किया। जब तक कचरे का सोल्यूशन नहीं मिल जाता मैं वापस नहीं लौटूंगा, ये वचन देकर किसी तीसरे की साइकिल लेकर निकल पड़े। क्या होगा जब गुस्से में भभकते हुए जेठालाल गोकुलधाम सोसाइटी में आएंगे, भिड़े और पोपट का क्या होगा, और चाचा जी भी वापस लौटेंगे या नहीं लौटेंगे? क्या जेठालाल का गुस्सा कहर बन के बरपता है? इन सब सवालों के जवाब आपको मिलेंगे ठीक कल 8:30 बजे, जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। दया भाभी, दया भाभी अब ठीक तो है? मैं तो ठीक हूँ भिड़े में, लेकिन बापू जी की बहुत चिंता हो रही है, पता नहीं बेचारे कहाँ होंगे। दया भाभी आप टेंशन मत लीजिए, आपको पता है ना चाचा जी गुस्से में कुछ भी कह देते हैं। हाँ, और जैसे ही चाचा जी का गुस्सा शांत होगा ना वो सही सलामत घर वापस आ जाएंगे। दया भाभी आपने जेठालाल को फोन तो नहीं किया ना? फोन करके सब बता भी दिया। सॉरी, पर अगर मैं टप्पू के पापा को कुछ नहीं बताती ना तो वो मुझ पे बहुत गुस्सा करते हैं। जेठालाल यहाँ आके हमारा कचुम्बर बना देगा। सॉरी, और टप्पू के पापा दुकान से निकल गए हैं यहाँ घर पर आने के लिए। कल्याण जेठा भी अभी किसी वक्त भी यहाँ आएंगे, वो निकल चुके हैं, अभी क्या होगा? माला क्या, मैं ऑलरेडी डरा हुआ हूँ माधवी, इसलिए तो मैंने जेठालाल का फोन नहीं उठाया। अरे भाई ये आपने क्या किया? मैंने काटा था भाई। अरे पोपट भाई आपने बहुत गलत किया। आपको पता नहीं है जब टप्पू के पापा गुस्से में होते हैं और कोई उनका फंड काट देता है तब उनका गुस्सा दुगुना हो जाता है। कल आता बच गए 12 और क्या। पता नहीं अभी जेठालाल के यहाँ पे क्या करने वाला है। वैसे दैव अभी जेठालाल को इस तरह का कभी गुस्सा आता है तो वो एग्जैक्टली क्या करता है? ऐसी परिस्थिति में टप्पू के पापा क्या करेंगे वो मैं कुछ नक्की कह नहीं सकती, लेकिन ये नक्की कह सकती हूँ कि अगर बापू जी को कुछ हुआ तो टप्पू के पापा कुछ भी कर सकते हैं। दया भाभी आप जेठा भाई को समझाना, उनको शांत कीजिएगा। इस परिस्थिति में टप्पू के पापा मेरी बात नहीं सुनेंगे भिड़े में। इसका मतलब हुआ कि पोपटलाल और भिड़े मास्टर को जेठाभाई के गुस्से से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन तुम लोग चिंता मत करो, मैं क्लिनिक में ही रहूंगा। एक काम करते हम लोग यहाँ से भाग के कहीं छुप जाते हैं। हाँ, चलो चलो। एक मिनट पोपट भाई, आप लोग कहाँ भागेंगे कहाँ छुपेंगे? और तुम दोनों अगर ऐसे छुपोगे तो जेठाभाई का गुस्सा और बढ़ जाएगा। भाई पोपट भाई अभी बापूजी को ढूंढना है और आप ऐसे छुपने की बात कर रहे हैं, कैसे ढूंढ पाएंगे बापूजी को? नहीं दैवा भाई आप समझे नहीं, हम लोग सिर्फ जेठालाल से छुप रहे हैं, फिर हम लोग छुप के हम लोग चाचा जी को ढूंढने की प्रक्रिया चालू है। भाई छोड़ना भाई, चलना जेठालाल आ जाएगा। चलो चलो आ गया अब क्या? अरे ये कड़ी के ऊपर। नीचे आओ। अरे पोपटलाल भाई साहब मैंने उन दोनों को इन सीढ़ियों पे जाते हुए देखा है। अच्छा मतलब शिकार खुद शेर की गुफा में छुपे हैं। भाई साहब टोपी वाला, चश्मे वाला, धोती पहनने वाला बुढ़ा कहाँ रहता है? वो हमारी साइकिल लेके भाग गया है। बहुत गुस्से वाला है वो बुड्ढा। ए भाई किसको बुड्ढा बोल रहा है? बुड्ढा होगा तेरा बाप, वो मेरे बापूजी है। ओह सॉरी आपके बापूजी हमारी साइकिल लेके कहीं चले गए हैं। अच्छा वो तुम्हारी साइकिल है? जी लेकिन आपके बापूजी हमारी साइकिल लेके कहाँ चले गए? ना मुझे नहीं पता भाई। मेरी साइकिल कब मिलेगी? मिल जाएगी भाई, बापूजी के आते ही तुम्हारी साइकिल मिल जाएगी। हाँ आपके बापूजी कहाँ गए हैं? अरे भाई बोला ना मुझे नहीं पता, अगर पता होता तो मैं यहाँ थोड़ी होता। बापूजी और तुम्हारी साइकिल दोनों को लेके आता ना भाई। चिंता मत करो भाई, बापूजी तुम्हारी साइकिल लेके आ जाएंगे। हा? कब आएंगे बापूजी? आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे। नहीं आए तो? भाई क्या नहीं आया तो चुप बोलो। आ जाएंगे बापूजी आ जाएंगे। सॉरी मैं यहीं बैठ के इंतजार करता हूं। करो दया भाभी जेठालाल बहुत गुस्से में, वो किसी भी वक्त आ सकता है, आप प्लीज बाहर जाकर उसे अंदर आने से रोक लीजिए। अरे पोपट भाई मैं टप्पू के पापा को अपने घर में आने से कैसे रोक सकती हूँ? सही बात है, पर अब होगा क्या? देखिये जेठा भाई कुछ भी कहे आप शांति से सुन लेना, झगड़ा मत करना। अभी मैं कभी झगड़ा करता ही नहीं हूँ। हो नहीं बोलो, अभी 1 घंटे पहले मुझसे इतना झगड़ा किया और अब बोल रहा है कि मैं झगड़ा करता ही नहीं हूँ। अरे पोपटलाल नमस्कार। अरे नमस्कार छोड़, मैं कब से तुझे फोन कर रहा हूँ, तू मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? अरे भाई पोपटलाल इनकमिंग तो फ्री है ना? अभी बोलो इनकमिंग फ्री है ना? तो फिर मेरा फोन क्यों काट रहा था? काटा नहीं, कट गया। अपने आप कटोगे, आत्महत्या कर ली उसने। जेठा भाई पानी लाइए ना। नहीं मुझे पानी वानी कुछ नहीं पीना है। हमारा खून पिएगा। क्या बोला तू? क्या बोला? ये हमारा खून पिएगा ऐसे बोला। खून नहीं स्पून बोला मैंने। मेरा एक दोस्त है वो स्पून से पानी पीता है। पोपटलाल तुम दोनों की वजह से मेरे बापूजी कहीं चले गए। अगर बापूजी को कुछ हुआ तो मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। जेठालाल एक्चुअली चाचा जी मेरी वजह से नहीं पोपटलाल की वजह से चले गए। मेरी वजह से मैंने क्या किया मैंने? देखो ऐसे ही झगड़ा किया जिसकी वजह से चाचा जी चले गए। मैं झगड़ा करता हूँ? अरे मैंने आज तक जिंदगी में किसी के साथ झगड़ा नहीं किया। अब क्या बोलते जिंदगी में कभी झगड़ा ही नहीं किया बड़े, तो ये जो कर रहे हैं वो क्या है? ये हीटेड आर्ग्यूमेंट है। हीटेड आर्ग्यूमेंट मोने, वाह। जोर तो जोर और शीर जोर। क्या मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। नहीं, क्या बात क्यों नहीं करनी? जेठालाल मैं बोल रहा हूँ चाचा जी सिर्फ भिड़े की वजह से चले गए। पोपट भाऊजी आप शांत हो जाइए ना। अरे कोना सकते तू शांत, शांतता, शांति, ये स्कूल में कभी सीखे ही नहीं शब्द इसने। भिड़े। पोपट भाऊजी आप शांत हो जाइए ना प्लीज। नहीं, एक मिनट, क्या भिड़े मतलब क्या बोलना चाहते तू? आहो आपने तो सीखे है ना, आप शांत हो जाइए ना। भाभी मैंने भी सीखे स्कूल में ये सारा शब्द। हाँ पोपट भाऊजी आपने भी सीखे, अभी आप दोनों शांत हो जाइए प्लीज। हाँ। जेठा भाई हाँ। देखिए चाचा जी चले गए हैं, इसमें इनकी दोनों की कोई गलती नहीं है। हाँ। जेठा भाई बात तो सही है। वो क्या है ना कि अपनी सोसाइटी में 3 दिन से कचरे का प्रॉब्लम चल रहा है, उस बात की चर्चा ने इतना जोर पकड़ लिया कि चाचा जी गुस्सा हो गए। जेठा भाई आप तो जानते हैं ना चाचा जी को गुस्सा आता है तो कोई उन्हें शांत नहीं कर सकता। सही बात है। और आखिर जो नहीं होना था वो ही हुआ। हाँ। बात कचरे के व्यवस्था की हो रही थी। हाँ। और कचरे के व्यवस्था का जवाब बापूजी के पास नहीं था, तो ये सवाल का जवाब ढूंढने के लिए बापूजी निकल गए। हाँ, हमने चाचा जी से सिर्फ इतना ही कहा था कि आपके पास कचरे के निकाल की कोई व्यवस्था है तो बताइए। इतना सुनते ही वो भड़क गए और साइकिल पर निकल गए। नहीं पोपटलाल। अहो कहाँ चले गए बापूजी, आप कहाँ चले गए हो? समझाइए ना। टप्पू के पापा देखिए आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मेरा मन कहता है कि बापूजी का गुस्सा शांत होते ही वो जल्दी घर पर आ जाएंगे। जेठालाल तुम निश्चिंत रहो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। ऑफ कोर्स जेठालाल हम सब मिलकर चाचा जी को ढूंढेंगे। अरे इतने बड़े मुंबई में कहाँ ढूंढेंगे चाचा जी को? एक काम करते हैं हम लोग अभी अपने घर जाते हैं और राह देखते हैं, चाचा जी वापस आ ही जाएंगे, उनका गुस्सा शांत होने ही वाला है। वहाँ हो जाएगा शांत गुस्सा। अरे उनका गुस्सा तो ना वो एकदम कुकर की सीटी की तरह है, ऐसे हवा निकलते ही मंजे का हवा मतलब उनके गुस्से का जो प्रेशर है ना वो प्रेशर कम होते ही वो वापस आ जाएंगे। लो चाचा जी आ गए ऐसा हम बोलेंगे आने के बाद। ये कशला बोलता है एक्स्ट्रा, और अगर नहीं आए तो बाद में देखते हैं ना क्या करना है। चुप नहीं आए तो का क्या मतलब है? चाचा जी बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, वो वापस जरूर आएंगे। हाँ आएंगे, जरूर आएंगे, हमारे बापूजी वापस आ जाएंगे हमारे बापूजी। और जेठा भाई चाचा जी जैसे ही आए हम सबको इन्फॉर्म जरूर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। हाँ बिल्कुल नहीं भूलेगा जेठालाल। चलो ना हिस्ट्री में चलो माधवी लवकर ये जेठा भाई धीरज रखिए, चाचा जी आ जाएंगे वापस। हाँ पर पहले पता तो चले अंजलि भाभी के बापूजी है कहाँ। अंजलि भाभी जब तक बापूजी का कुछ पता नहीं चलेगा तब तक मन को शांति नहीं मिलेगी। बात तो सही है दया भाभी। जेठा भाई आपने चाचा जी के दोस्तों को फोन किया, उनको पूछा कि उनको कुछ पता है क्या? नहीं मैं वही कर रहा हूँ अभी। दया हाँ। और टेलीफोन की डायरी देना तो। हाँ हाँ ले बैठे ना अपने बैठे। हाँ। लीजिए सबसे पहले किशन काका को फोन करता हूँ। हाँ, टप्पू के पापा आप किसी को ऐसा मत कहना कि बापूजी कहीं चले गए हैं, किसी एक को भी पता चल जाएगा ना तो पूरी नाट में हो जाएगी। हाँ भाई इतनी अक्ल तो है मुझ में। हेलो, जय जिनेंद्र किशन काका। हाँ जय जिनेंद्र, कौन? जेठालाल बोल रहा हूँ। हाँ जेठालाल, बहुत दिन बाद फोन किया, कैसे हो? बस बस एकदम मजे में काका। अच्छा बापूजी मिले थे आज आपको? नहीं। कुछ फोन बोन आया था उनका? नहीं तो। क्यों, कोई टेंशन है? नहीं नहीं टेंशन कुछ नहीं है, वो अपने मोबाइल घर पे भूल गए और मुझे उनसे कुछ अर्जेंट पूछना था तो इसलिए। चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं बाद में फोन करता हूँ। ओके। टप्पू के पापा, बापूजी के पास मोबाइल फोन कहाँ है? पता है भाई, लेकिन अभी कुछ तो बहाना बनाना पड़ेगा कि नहीं। टप्पू के पापा आप मेघजी काका को फोन कीजिए ना। हाँ ठीक। हेलो। हाँ मेघजी काका, जय जिनेंद्र, जेठालाल बोल रहा हूँ। अरे इतने दिनों बाद मेरी याद कैसे आई? कुछ पैसे वैसे उधार चाहिए क्या? नहीं नहीं नहीं, पैसे वैसे उधार नहीं चाहिए। भगवान की दया से और पापू जी के आशीर्वाद से दुकान बहुत बढ़िया चल रही है काका। तो तू मुझे थोड़े पैसे उधार दे दे। काका आज बापू जी से आपकी कुछ बात हुई थी? किस बारे में? पैसों के बारे में? नहीं पैसों के बारे में नहीं, ऐसे किसी भी कारण से नहीं। अरे तेरा बाप भी तेरे ही जैसा है, कभी फोन ही नहीं करता। अच्छा ठीक है, मैं बोलता हूँ बापू जी को आपको फोन करने के लिए। ठीक है चलो, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। नहीं उनको भी नहीं पता है। कोई जमुना फेबा का फोन आया था, बापूजी उनके साथ बात कर रहे थे तो उनको फोन कीजिए ना, शायद उनको कुछ पता हो। हेलो हेलो, कौन? हाँ पायला को भाई, जेठालाल बोलो। तेटा कौन? अरे जमुना भाई को ऊंचा सुनाई देता, मैं तो भूल ही गया। जेठालाल, जेठिया। अच्छा चंपक का जेठिया। हाँ हाँ बोल बोल, कैसे हो? मैं एकदम मजा में हूँ, तमे केम छो? टमेटा क्या? अरे आप कैसे हैं? अरे मुझे क्या होगा, मैं तो एकदम अच्छी हूँ। अरे वाह, सरस सरस। सीरस? किसको सीरस निकली? अच्छा बापूजी आए थे? हाँ आया था। आए थे? कब आए थे? कप लाया था। कप रकाबी तो बहुत है मेरे पास। नहीं, अरे कप रकाबी कब 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 आए थे? कब? हाँ आप करके कौन गिरा? अरे कितने बजे आए थे बापूजी? कितने बजे आया था वो तो याद नहीं है। हाँ 2 दिन पहले आया था वो याद है। अच्छा आज नहीं आए थे? नहीं आज नहीं आया। क्यों, क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं बाद में फोन करता हूँ। ओके। हाँ क्या? हेलो, रख दिया लगता है। क्या हुआ टप्पू के पापा, बापूजी जमुना फेबा के घर नहीं गए थे? 2-3 दिन पहले गए थे, आज नहीं गए। सॉरी, समझ सकती हूँ। जेठा भाई, चाचा जी के कुछ और दोस्तों को फोन कीजिए ना। हाँ। अच्छा नहीं मिले? नहीं नहीं ठीक है। हाँ उनका कुछ फोन बोन आए तो मुझे जरा बताना। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। बापूजी के सभी दोस्तों को फोन कर लिया लेकिन किसी को बापूजी नहीं मिले आज, ना किसी से फोन पे बात हुई है। माता जी अब क्या होगा? देखिए जो होगा अच्छा ही होगा। अच्छा हो तो अच्छा है, वरना आज भीड़े और पोपटलाल की खैर नहीं। कहाँ ढूंढे बापूजी को? सोचो सोचो, कहाँ ढूंढे कहाँ ढूंढे। आइडिया, मेरी एक सहेली है। कौन कौन कौन? मोदी भाभी। उमा शादीशुदा है उसका मौसेरा भैया वो कहीं खो गया था, तो एक बड़े ज्योतिष ने बताया था कि वो कहाँ मिलेगा। अच्छा? उनका नाम मनु महाराज है और वो बहुत बड़े ज्योतिष है। मतलब जीवन में जो लोग मिल नहीं रहे हो माधवी भाभी, उन्हें भी वो ढूंढ सकते हैं। हाँ पोपट भाऊ जी। अरे हाँ क्या, तो अब तक आपने उनका नंबर क्यों नहीं दिया मुझे? जेठालाल तो पूछते है ना उन्हें कि चाचा जी कहाँ और कब मिलेंगे। मेरे पास डायरी में नंबर है, मैं अभी लेकर आती हूँ। पहले चाचा जी को ढूंढ लेते हैं, बाद में नंबर ले लूंगा। दे फोन दे। अरे ओ, हम भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों के जानकार मनु महाराज बोल रहे हैं। हरिओम हरिओम, थोड़ी सी हरी है। मैं माधवी बोल रही हूँ गोकुलधाम सोसाइटी से। उमा है ना उनकी दोस्त। उमा उमा, हाँ 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 याद आया। बताइए क्या परेशानी है आपकी? हाँ क्या है महाराज, ऐसा हुआ है कि प्लीज आप बता सकते हैं कि हमारे चाचा जी को हम लोग कहाँ ढूंढे? थोड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा। हाँ एक मिनट। हाँ माधवी भाभी, नहीं क्या 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 बोले? ध्यान लगाया है। कितनी देर के लिए? नहीं बताया। पोपटलाल शांति रखो ना भाई। अरे भाई वो ध्यान में वहाँ बैठे हैं ना, यहाँ तो हम बात कर ही सकते हैं ना। लेकिन उनको कंसंट्रेट करने के लिए ध्यान लगाया ना उन्होंने, तो वो पूरे दिन ध्यान में बैठे रहेंगे, तो हम पूरा दिन ऐसे ही खड़े रहेंगे। बट भाऊजी शांति रखें ना प्लीज। नहीं नहीं शिकला नहीं ना, तो शांति शांत शांतता सीखा ही नहीं है। वो भी आप शांत रहिए प्लीज। हेलो हेलो, हाँ हाँ बोलिए महाराज, मैं सुन रही हूँ। चंपक चाचा आपको पश्चिम दिशा में सीधे जाने पर मिलेंगे। हाँ ओके थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद महाराज। मेरी दक्षिणा जरूर भिजवा दीजिएगा। हो नक्की नक्की नक्की। हरिओम हरिओम हरिओम। उन्होंने कहा है कि पश्चिम दिशा में चाचा जी को ढूंढेंगे ना तो चाचा जी मिल जाएंगे। मित्रों एक बड़ी पुरानी कहावत है कि डूबते को तिनके का सहारा, शायद इसीलिए भिड़े और पोपटलाल ने पंडित जी का सहारा लिया है। भाई सहारा लेना आवश्यक भी हो गया था क्योंकि चंपक चाचा नहीं मिल रहे हैं, कहाँ चले गए पता नहीं, और भिड़े और पोपटलाल इस वजह से बेहद डरे हुए हैं। और पंडित जी के अनुसार चंपक चाचा पश्चिम दिशा में मिलेंगे। देखना यह है कि भिड़े और पोपटलाल को चंपक चाचा पश्चिम दिशा में मिलते हैं या नहीं मिलते, क्या पंडित जी का कथन सच होता है या नहीं होता है। और फर्ज कीजिए अगर चंपक चाचा नहीं मिले तो क्या होगा, क्या करेंगे जेठालाल? क्योंकि इस वक्त वो गुस्से में है। आग बबूला जेठालाल किस तरह से पोपटलाल और भिड़े का हाल बेहाल करते हैं, क्योंकि अगर किसी पुत्र को उसके पिता की खबर न मिले तो उसका गुस्से में होना बेहद स्वाभाविक है। भाई चंपक चाचा कहीं नहीं मिल रहे हैं, अगर आप लोगों को कहीं उनकी जानकारी मिले या पता चले कि वो कहाँ है तो प्लीज हमें जरूर बताइएगा, हमसे संपर्क कीजिएगा, क्योंकि इस वक्त यहाँ पे बड़ी कठिन परिस्थिति। अब देखते हैं कि पोपटलाल और भिड़े पे आया हुआ यह संकट क्या रंग लेके आता है। भैया जो भी हंगामे होंगे इतना जरूर है आपके घरों में हंसी होगी, ठहाके होंगे, खिलखिलाहट होगी और होगा एक स्ट्रेस फ्री वातावरण जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए हंसते। अरे भाई आपको बोला ना मैंने, चाचा जी की मिलते आपकी साइकिल भी मिल जाएंगी। आप घर जाइए, मैं आपको घर पे साइकिल पहुंचा दूंगा। नहीं नहीं हम साइकिल लिए बगैर नहीं जा सकते, वो साइकिल हमारी नहीं हमारे पड़ोसी की साइकिल है। आप एक काम करो, आप यही सोसाइटी में रुको, हमें पता चला कि चाचा जी पश्चिम दिशा में गए तो हम उन्हें वहीं ढूंढने जा रहे हैं पश्चिम दिशा में। और हमारी साइकिल किस दिशा में होगी? अरे भाई जहाँ चाचा जी गए होंगे वहीं आपकी साइकिल भी गई होगी ना, तो आपको साइकिल चाहिए ना? हाँ चाहिए चाहिए। आप हट जाओ यार, हट जाओ, चल 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 भीड़ चल। आप रुको। अरे भगवान कहाँ फंसाई दिया भिड़े 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 भिड़े। क्या हुआ? दिखे चाचा जी? चाचा जी नहीं चैताली दिखी। कौन चैताली? अरे 2 साल पहले मीटिंग की थी उससे शादी के लिए, पूरी कुंडली मैच हो गई थी, सिर्फ राहुल लड़ा। कुंडली मैच हो गई तो राहुल कैसे लड़ा? अरे राहुल नहीं, राहुल राहुल उसका बॉयफ्रेंड जो अभी उसका हस्बैंड बन गया है। ए, अभी हम लोग चाचा जी को ढूंढे। हाँ उन्हीं को ढूंढ रहे हैं भाई। वो तो अंधे में दिख गई तो ऐसे बात निकल गई। तुम ऐसा पश्चिम दिशा में आगे चलते रहो। चाचा जी ऐसे सुनसान रास्ते पर क्यों आएंगे? तो मुझे क्या पता, चाचा जी मिल जाएंगे तो उनको ही पूछ लेना भाई। अरे यहाँ तो दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा। हाँ लेकिन मनु महाराज ने बोला है ना पश्चिम दिशा में ढूंढना है तो ढूंढते हैं। हाँ भाई पश्चिम दिशा वाले रास्ते पर आगे चलते रहो चलते रहो। मेरा साइकिल मिल गई। साइकिल मेरा साइकिल मिल गई। अरे साइकिल नहीं, हमको चाचा जी को ढूंढना है भाई। अरे भाई साइकिल यार तो चाचा जी भी यही गई होगी ना। चल 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 अरे जल्दी चल। चाचा जी चाचा जी चाचा जी चाचा जी। तो खाई आ गई। चाचा जी 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 ओ चाचा जी चाचा जी चाचा जी चाचा जी। ओ भाई साहब चाचा जी कहाँ है? कौन चाचा जी? भाई साहब ये साइकिल मेरी है। क्या हुआ? कुछ नहीं कुछ नहीं। एक मिनट हाँ मैं पूछ सकता हूँ कि आप ऐसी जगह पे साइकिल लेके क्या कर रहे थे? मेरा बीवी से झगड़ा हो गया था, शांति पाने के लिए झगड़ा हुआ था। बीवी से कोई झगड़ा करता? कैसा आदमी हो भाई, बीवी से झगड़ा कर लिया। अब वो रो रही होगी, उसे मनाने चाहिए। पोपट लाल क्या कर रहे हो भाई? आप जाइए, थैंक यू वेरी मच, जाइए आ जाइए। सॉरी यार सॉरी भाई। क्या क्या कर रहे हो तुम? उसकी बीवी उसका झगड़ा तुम क्यों बीच में कूद रहे हो? वो सब छोड़ भाई, तू पहले मनु महाराज को फोन कर और उनको बोल के भाई पश्चिम दिशा खत्म हो गई, डेड ना गया, चाचा जी नहीं मिले। हाँ बराबर। हेलो मनु महाराज जी। हरि ओम। हम भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों के जानकार मनु महाराज बोल रहे हैं। आप कौन? हाँ मैं अतपाराम तुकाराम भिड़े बोल रहा हूँ। भिड़े कौन? अरे भिड़े मतलब वो गोरेगांव में पाउडर का लिया ना, गोकुलम सोसाइटी, वहाँ का एकमेव सेक्रेटरी। अरे वो भाई वो अभी माधुरी भाभी ने फोन किया था, उनके पति बोल रहा हूँ। ऐसा बोल रहा तो अहमियत ही नहीं। हाँ भाई हाँ अब वो माधुरी भाभी माधुरी भिड़े है ना, उनका पति आत्माराम भिड़े बोल रहा हूँ। हाँ 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 हाँ। अब कौन खो गया? नहीं और कोई नहीं खोया है, जो पहले से खोया वही नहीं मिला है भाई। हमारे चाचा जी अभी तक मिले नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने आपको बताया था ना कि पश्चिम दिशा में ढूंढिए, चाचा जी मिल जाएंगे। महाराज जी हमने पश्चिम दिशा में ढूंढा, पश्चिम दिशा समाप्त हो गई, लेकिन चाचा जी नहीं मिले। असंभव, ये हो ही नहीं सकता है। अरे क्या ऐसा नहीं हो सकता? अरे यहाँ पे डेड एंड आ गया है, ये देखिए यहाँ पे डेड एंड दिखाओ। हेलो 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 हेलो। क्या रख दिया? ये लगता है ध्यान में गए होंगे। क्या फायदा ध्यान में जाके, मिलता तो है नहीं कोई। हेलो 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 हेलो। अभी काल योग चल रहा है, आप हमें 3 दिन के बाद फोन कीजिए। कहते 3 दिन बाद? अरे ओ हेलो 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 मनु महाराज। क्या हुआ, क्या बोले? अरे बोल रहा कि 3 दिन तक काल योग है, कुछ नहीं हो सकता, भगवान का नाम लो। काल योग कौन सा योग है? अच्छा 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 होगा होगा। भिड़े लगता है मेरा भी सालों से काल योग ही चल रहा है, तभी मैं सोचूं कि मत सोचो भाई। चल इतनी देर हो गई है अभी तक नहीं आए। लगता है काफी दूर तक गए होंगे। पता नहीं भूखे प्यासे बेचारे कहाँ कहाँ ढूंढ रहे होंगे चाचा जी को। मुझे तो लगा था कि चाचा जी का गुस्सा शांत होगा तो तरत वापस आ जाएंगे। सही बात है, लेकिन अब तो बात बहुत सीरियस होते जा रही बाबा। ओ गॉड 2 बज गए। अरे वही तो कह रहा हूँ कि 2 बज गए। अब तो बता दीजिए कि हमारी साइकिल कब आएगी। अरे भाई साहब आपको बोला ना, चाचा जी आएंगे तो आपकी साइकिल आ जाएगी। अरे क्या आ जाएगी, आ जाएगी, लेना देना कुछ नहीं, हमारा तो नुकसान हो गया ना। अरे भाई साहब आपका कोई नुकसान नहीं होगा, आप प्लीज शांत रहिए, आपको आपकी साइकिल मिल जाएगी। हाँ भैया हम लोग वैसे ही बहुत टेंशन में हैं, थोड़ा समझो नहीं बाबा। आले आले। देखा आप दोनों ही, चाचा जी कहाँ हैं? चाचा जी नहीं मिले? पश्चिम दिशा में देखा ना आप लोगों ने? हाँ पूरी पश्चिम दिशा ढूंढ डाली, पश्चिम दिशा खत्म हो गई, लेकिन चाचा जी नहीं मिले। अरे देवा, तो दोबारा मनु महाराज को फोन भी किया था यही बोलने के लिए कि कुछ हुआ नहीं, तो उन्होंने बोला कि अभी 3 दिन तक काले हो गए, कुछ नहीं हो सकता। कल्याण, अरे क्या मुसीबत है यार, कहाँ फंस गए। हे भगवान अब क्या करें? अब तो एक ही रास्ता है, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे चाचा जी सही सलामत वापस आ जाए। हे मुरली मनोहर, कुछ ऐसा चमत्कार करो कि हमारे चंपक चाचा जी जल्दी मिल जाए। नहीं भिड़े मास्टर ऐसे नहीं, बचपन में मेरी कोई चीज खो जाती थी ना तो मैं उस खोई हुई चीज का नाम बार बार दोहराता था, तुम मानोगे नहीं वो चीज थोड़ी ही देर में मुझे मिल जाती थी। अच्छा तो हाथी भाई हम लोग भी वैसा ही करते हैं ना। हाँ हंस तुम बोलो, हम सब तुम्हें फॉलो करते हैं। हाँ सब पहले अपनी आंखें बंद कर लीजिए, फिर अपने दोनों हाथ को जोड़िए और मेरे साथ कहिए, मैं जो कहूँ उसे दोहराइए। चाचा जी मिल जाओ, चाचा जी मिल जाओ, चाचा जी मिल जाओ, चाचा जी मिल जाओ, हमारी साइकिल मिल जाओ। ऐसा क्या देख रहे हैं आप लोग? अब हमारी साइकिल मिल जाएगी तो आपके चाचा जी भी मिल जाएंगे ना। वो बात तो है। हाँ फिर से शुरू करते हैं। चाचा जी मिल जाओ, चाचा जी मिल जाओ, हमारी साइकिल मिल जाओ, चाचा जी मिल जाओ, चाचा जी मिल जाओ। पता नहीं बापूजी कहाँ होंगे, बापूजी जल्दी से आ जाइए। अरे बबीता जी कहाँ हैं आप? मुझे पता चला आप अचानक कहीं बाहर गाँव चले गए। वो जीठा जी मुझे जरा अर्जेंट काम से यहाँ पे आना पड़ा, पर चाचा जी कहाँ चले गए? मुझे अय्यर ने फोन किया था और कहा कि चाचा जी गुस्से में कहीं पे चले गए हैं। देखिए ना बबीता जी, बापूजी कहीं चले गए, आप भी नहीं है, बापूजी भी नहीं है, मैं बहुत अकेला पड़ गया हूँ बबीता जी। बापूजी के बगैर मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। दया, दया भी है आपके बाजू में? जी जी जी। जरा उनको प्लीज फोन दीजिएगा। बबीता जी, दया भाभी। बबीता जी, दया भाभी जीठा जी बहुत परेशान लग रहे, आप उनका ख्याल रखना। हाँ और उनसे कहना कि हिम्मत रखे, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, मतलब सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके हाँ बबीता जी। ओके दया भाभी मैं अभी फोन रखती हूँ, आई विल बी इन टच विद यू, मैं आपसे फोन पे टच में रहूंगी। ओके हाँ ठीक है बबीता जी। हाँ रख दिया। हाँ अच्छा बोले नटू काका। सेठ जी नटू काका स्पीकिंग। अरे हाँ बोलो सेठ जी, बापूजी मिल गए। क्या बापूजी मिल गए? कहाँ है वो? तो राम जाने। राम जाने मतलब? अभी आपने बोला ना बापूजी मिल गए। सेठ जी मतलब बापूजी टेक्निकली मिल गए लेकिन प्रैक्टिकली नहीं मिले। अरे क्या बोल रहा है, समझ में ऐसा बोल। सेठ जी बापूजी दुकान में आए थे। क्या बापूजी दुकान में आए थे? कब कब आए थे? करीबन 2:30 बजे। और तू मुझे अभी बता रहा है बापूजी दुकान में आए, तभी मुझे फोन करना चाहिए ना तुरंत। सेठ जी मैं तो आपको फोन करने ही वाला था लेकिन बापूजी ने मुझे आपको फोन करने से मना कर दिया। क्यों? वो तो कोई कारण नहीं बताया। अरे क्या बोल रहा है तू? एक काम कर, बापूजी दुकान में आए तभी तुम लोगों से एग्जैक्टली क्या बात हुई मुझे एकदम विगतवार बता। वो सेठ जी दरअसल हुआ यूं कि नटू काका वो अरविंद भाई की यार डिलीवरी आज ही करनी है ना। हाँ हाँ बस मैं अभी निकल ही रहा हूँ। नटू काका, बापू जी आप यहाँ? सेठ जी तो आपको ढूंढने निकले। मुझे पता है, मैं अभी सेठ जी को फोन कर देता हूँ। अब जो जेठिया को फोन किया है। अच्छा अच्छा बापू जी कहिए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? मुझे अभी के अभी 33,000 रुपए चाहिए। क्या हुआ बापू जी, कोई तकलीफ? ज्यादा सवाल मत करो, जल्दी से पैसे दे दो वरना मैं किसी और से ले लेता हूँ। नहीं नहीं बापूजी पैसे देता हूँ। फिर क्या हुआ? फिर बापूजी साइकिल पर बैठ के चले गए। कहाँ चले गए? वो तो राम जाने। इसीलिए मैंने आपसे कहा सेठ जी कि बापूजी टेक्निकली मिल गए लेकिन प्रैक्टिकली नहीं मिले। अरे भाई बापूजी गए तो तुम्हें उनको पूछना चाहिए ना कि कहाँ जा रहे हैं। सेठ जी हमने कभी आपसे नहीं पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो आपके बापूजी से कैसे पूछ सकते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं? बापूजी ने दुकान से इतने सारे पैसे क्यों लिए होंगे? कहीं कोई प्रॉब्लम में तो नहीं फंसे? सेठ जी। हाँ हेलो सुनो, बापूजी के बारे में कुछ भी पता चले तो मुझे तुरंत फोन करना, ठीक है? ठीक है सेठ जी, अब फोन रखे। रख जी। बापूजी वापस कहाँ चले गए? क्या पता दया, दुकान से 33,000 रूपए भी लेके गए। क्या? अरे बापूजी को इतने सारे पैसों की अचानक क्या जरूरत आन पड़ी? कुछ समझ में नहीं आ रहा है दया। दया भाभी, जेठा भाई, प्लीज थिंक पॉजिटिव। एटलीस्ट हमें ये तो पता चला कि चाचा जी सही सलामत है। लगता है बापूजी आ गए। अरे वाह, चलो चलो। तुम? अरे भाई हमारी साइकिल कब मिलेगी? अरे बापूजी के आते ही तुम्हारी साइकिल मिल जाएगी भाई। अरे कब आएंगे आपके बापूजी? अरे कमाल का आदमी, को शर्म बरम है कि नहीं? हमारे जीवते जगते बापूजी कहीं खो गए और तुम्हें तुम्हारी निर्जीव साइकिल की पड़ी है। और मैं तो कहता हूँ ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हमारी वजह से? हमने क्या किया? अरे क्या किया का? तुम इतने साइकिल लेके आवती नहीं तो बापूजी तुम्हारी साइकिल लेके भागते नहीं। बापूजी बिना साइकिल के भागत तो बाकी सब दौड़ के उनको पकड़ लेवत। खबरदार दोबारा अपनी साइकिल लेके या सोसाइटी कंपाउंड में आवत है तो। पापा जावत तो। देखिए देखिए भाई साहब, आप अपनी साइकिल की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास। आपकी साइकिल आपको लौटा देंगे। और अगर आपकी साइकिल को कुछ हो गया ना तो टप्पू के पापा आपको नई साइकिल दिला देंगे, है ना टप्पू के पापा? हाँ, चलो जाओ आप यहाँ से। अरे जाओ कहाँ जाओ, हम साइकिल लिए बगैर यहाँ नहीं जा सकते। उस साइकिल हमारे पड़ोसी की है। तो? अरे तो क्या? तो हम साइकिल लिए बगैर यहाँ नहीं जा सकते। तो बैठो कंपाउंड में और धूप में सेको अपने आप को। कमाल के लोग हैं। कमाल के, हम लोग कमाल के ही है। जेठा भाई आप शांत हो जाइए, उस बेचारे की क्या गलती है इसमें? वैसे भी वो तो अपना काम कर रहा था। चाचा जी साइकिल लेके चले गए, उसमें वो क्या कर सकता है? अंजलि भाभी मैं तो सबको अपने काम भेज दिया है। कब से फोन लगा रहा हूँ, लग ही नहीं रहा है। मैंने कहीं नहीं भेजा है जेठा भाई उनको, वो तो रोज की तरह ऑफिस गए हैं। पर फिर भी उनका फोन आएगा, मैं तुरंत उनको ये सब बात बता दूंगी। प्लीज प्लीज। हाँ दया भाभी मैं चलती हूँ। हाँ। कोई भी काम हो तो मुझे फोन कर देना। हाँ। ठीक है ना? हाँ ठीक है, ठीक है अंजलि बाबू। चलो और मेरे सबका फोन है तो बताना प्लीज तुरंत। हाँ। ठीक है। हाँ। क्या हुआ? अरे भाई अभी इतना रोने की कोई जरूरत नहीं है। अभी चल 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 अंदर। मैं फिर एक बार सोच रहे हम किस मुझसे जेठालाल के पास जाएंगे? चाचा जी का कोई आता पता नहीं है। लेकिन उसको बताना पड़ेगा ना कि हमने प्रयत्न किया चाचा जी को ढूंढने का, पूरी पश्चिम दिशा छान डाली लेकिन नहीं मिले। वो तो क्या कर सकते हैं भाई। चलो 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 भाई साहब साइकिल। अरे भाई आप में कोई इंसानियत नाम की चीज है कि नहीं? अगर आपकी साइकिल नहीं मिली तो हम आपको नई साइकिल लेकर दे सकते हैं, लेकिन हमारे चाचा जी नहीं मिले तो नए चाचा जी को खरीदने कहाँ जाएंगे हम? क्या बोल रहे हो पोपटलाल, तुम्हें तुम्हारे चाचा जी मिल जाएंगे। बस मेरी तो साइकिल है, चाचा जी तो आपके हैं। हां भाई साइकिल। दया 5:30 बज गए, अभी तक बापूजी का कोई आता पता नहीं है। टप्पू के पापा मुझे बहुत चिंता हो रही है, अब क्या होगा? ये सब वो भीड़ और पोपटलाल की वजह से हुआ, उनको छोड़ूंगा नहीं मैं। भीड़ शाम हो गई, अभी तक बापूजी का कोई पता नहीं है। आजा आजा मैं इधर हूँ, आजा। जेठालाल हम लोग अंदर आ सकते हैं? भीड़े भाई आई आई है। अरे क्या आई आई है, टप्पू की बारात में थोड़ी आए जो तू स्वागत कर रही है इनका। देखो भाई जेठालाल गुस्सा थूक दो। देखो जितनी चिंता चाचा जी की तुम्हें है उतनी हमें भी है। यहाँ से जाने के बाद हम हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे थे, हम चाचा जी को ढूंढने ही गए थे। हाँ हाँ जेठालाल, वो एक ज्योतिष है मनु महाराज करके, उन्होंने बोला कि आप पश्चिम दिशा की ओर जाइए, आपको चाचा जी जरूर मिल जाएंगे। फिर क्या, हम लोग काफी दूर तक गए पश्चिम दिशा में। दिशा खत्म हो गई लेकिन चाचा जी नहीं मिले। अरे तो कहाँ गए बापूजी मेरे? बाबा क्या माइक बाबू थोड़ी सांगुन के लिए। माता जी 33,000 रुपए लेकर बापूजी कहाँ गए होंगे? 33,000? हाँ, वो बापूजी दुकान पे गए थे, वहाँ से नट्टू काका से 33,000 रुपए लिए और वापस कहीं चले गए। वापस चले गए? क्यों? हाँ, और इतने सारे पैसे लेकर कहाँ चले? अरे मेहता साहब कहाँ हैं आप? कब से आपका फोन लगा रहा हूँ, आपका फोन ही नहीं लग रहा है। हाँ जेठालाल, मैं ऑफिस के काम से कहीं बाहर गया हुआ था, पूरे दिन बाहर था। फोन डिस्चार्ज हो गया, अभी ऑफिस लौटा, वापस फोन चार्ज किया तो तुम्हारा मैसेज देखा तो फोन किया। बोल बोलो क्या हुआ? अरे मेहता साहब, बापू जी दोपहर से कहीं चले गए हैं, अभी तक वापस नहीं लौटे हैं। क्या मतलब कहाँ, क्यों? अरे वो हुआ यूं क्या हो, मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि जब तक इस कचरे की सही व्यवस्था कैसे करनी है उस सवाल का जवाब ढूंढ ना लूं, तब तक इस सोसाइटी में वापस नहीं आऊंगा। ठलाल, ये तो चिंता वाली बात है भाई, क्योंकि चाची को गए हुए इतना टाइम हो गया है, अब तो शाम होने आ गई है और 33,000 रुपए भी लेके गए। मेरे ख्याल से जेठालाल, हमें पुलिस रिपोर्ट करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक करे मेहता साहब, बिल्कुल ठीक करे आप। तो एक काम करते हैं, तुम सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचो, मैं ऑफिस से सीधा वहीं आता हूँ, बाहर मिलता हूँ। ठीक है? ठीक है, ठीक है मेहता साहब, ठीक है। क्या 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 मेहता साहब ने कहा कि हमें फौरन पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए। हाँ बराबर है, चलो चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं। चलिए गया, तू यही रहे, क्या पता है शायद बापू जी घर पे आ जाए, तो किसी को घर पे रहना जरूरी है ना। हाँ ठीक है, मैं घर पे ही रहती हूँ। चलो हम लोग जाके आते हैं। चलो 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 चलो। चंपक चाचा का कोई अता पता नहीं है, कहाँ चले गए चंपक चाचा और दुकान से 33,000 रुपए लेके भी गए। मैं किसी मुसीबत में ना फंस गए हो। हम गोकुलधाम निवासी बेहद परेशान हैं, अपने अपने तरीके से उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन सारे प्रयत्न विफल हो गए, प्रयत्न व्यर्थ हो गए, कहीं नहीं मिले चंपक चाचा। अब तो शाम होने भी आ गई है, तो और कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि हम पुलिस स्टेशन जाएं। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि चंपक चाचा मिल जाए। ईश्वर से प्रार्थना ये भी कीजिए कि इस देश में जिस जिस प्रांत में चुनाव हो रहे हैं वो बहुत अच्छे ढंग से संपन्न हो जाए। और बहुत सारे प्रांतों में चुनावों का माहौल है, इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कि अपने मत का, अधिकार का प्रयोग जरूर कीजिए, वोट जरूर दीजिए, क्योंकि वो आपका हक है। और यहाँ पुलिस स्टेशन में क्या होगा, कहीं चालू पांडे के सामने हम लोग ही शक के दायरे में ना आ जाए। गोकुलधाम निवासियों की मुसीबत और कितने रंग लेके आती है देखेंगे आप। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में देखते रहिए, हंसते रहिए। तुम्हारे त्रास की वजह से तुम्हारा पिता घर से भाग गया, घर छोड़ के चले गए सर। अच्छा हुआ तेरी जैसी औलाद के खिलाफ तेरे पिता ने पुलिस में कंप्लेंट लिखवाई। मैंने अपने बुजुर्ग पिता पर अत्याचार किया है, तुम जैसे लोगों की वजह से ही मुंबई पुलिस ने सीनियर सिटीजन के लिए हेल्पलाइन शुरू की है। किसी भी सीनियर सिटीजन को मदद की आवश्यकता हो तो हेल्पलाइन पर डायल करें 1090। मुंबई पुलिस उस सीनियर सिटीजन की सेवा में हाजिर रहेगी। हमारी सरकार बुजुर्गों के लिए इतना कर रही है और तू एक पुत्र होकर अपने पिता के साथ इस तरह के अत्याचार करता है। साहब मेरी बात मानिए, मैंने कुछ भी नहीं किया। वही तो दिक्कत है कि तुम अपने पिता के लिए कुछ नहीं करते। जब उनको बुखार था तब भी तुमने कुछ नहीं किया, जब उनको आराम की आवश्यकता थी तब भी तुमने कुछ नहीं किया। यही तो दुख की बात है कि आजकल की औलाद अपने माता पिता के लिए कुछ नहीं करती और इसीलिए माता पिता को इस उम्र में काम करना पड़ता है। वाह क्या बात कही है सर, आपको तो डायलॉग लिखने चाहिए फिल्मों में। ये डायलॉग नहीं पाटिल, ये आज के दौर की सच्चाई है। मुझे ऐसी औलाद के हाल को बेहाल करना पड़ेगा। साहब मैंने तो कुछ भी नहीं बोला मेरे पिताजी को, मैंने इतना ही बोला कि पूरे दिन आप फ्री रहते हो तो झाड़ू झटकी करो, घर में बर्तन वगैरह मांजो, बस ऐसे छोटे मोटे काम करने के लिए कहा मैंने। तुम जैसे लोग हमारी भारतीय संस्कृति पर दाग हो, मुझे नफरत है ऐसी औलाद से। तो माँ बाप को हेल्प के नाम से उनसे मजदूरी करवाते रहते हैं, नफरत है मुझे। चालू जी, पांडे जी, आइए आइए जेठालाल, आइए आइए। आ गए शिशुपाल, तुमसे ज्यादा अटेंडेंस तो जेठालाल की है पुलिस स्टेशन में। अरे सीखो, कहिए आज आप लोग कौन सा केस सॉल्व करने आए हैं? नहीं नहीं पांडे साहब, हम लोग कोई केस सॉल्व करने के लिए नहीं आए हैं ना जा रहे हैं, हम तो एक कंप्लेंट लिखवाने के लिए आए हैं। अच्छा क्या कंप्लेंट है? पांडे साहब वो जेठालाल के पिताजी सुबह से कहीं चले गए हैं। जेठालाल के पिता गए हैं तो आप क्यों कंप्लेंट लिखवा रहे हैं? तुम बताओ भाई। चालू जी, पांडे जी, मेरा बापू जी चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा जी सुबह से साइकिल लेकर कहीं चले गए। क्या तुम्हारे बापू जी साइकिल लेकर चले गए? कहाँ चले गए? कहाँ चले गए ये तो पता नहीं है। फिर से आप बीच में बोल रहे हैं। जेठालाल तुम बताओ। हाँ जेठालाल तुम बताओ, कहाँ चले गए तुम्हारे बापू जी? नहीं पता है। पता होता कि चाचा जी कहाँ गए तो हम यहाँ थोड़े आते, वहीं नहीं जाते, उनको लेकर घर जाते। शिशुपाल। यस सर। ये जनाब बार बार बहुत बोल रहे हैं, इनको वहाँ बेंच पर जाकर बिठाइए। ओके। अरे पंडित साहब आप जाइए वहाँ बैठिए। चलिए आप जाइए। चला नहीं पालो। तुमको नहीं समझ में आ रहा इसीलिए तुम यहाँ आए हो। अच्छा जेठालाल एक बात बताओ, एक पुत्र होने के नाते तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पिताजी घर छोड़कर क्यों चले गए होंगे? वो एक बहस की वजह से। ओह, तो एक पुत्र ने अपने बुजुर्ग पिता के साथ बहस की और वो बुजुर्ग पिता मजबूर होकर अपना घर छोड़कर चले गए। नहीं मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं भी यही कह रहा हूँ, मैंने भी कुछ भी नहीं किया है। सुना, एक बेटा तो कह ही रहा था कि मैंने कुछ नहीं किया, एक और आ गया कि मैंने भी कुछ नहीं किया कह रहा है। जो लोग बोलते हैं ना कि मैंने कुछ नहीं किया है, वही सब कुछ करते हैं। अरे पांडे साहब आप समझने की कोशिश कीजिए, आप समझ नहीं रहे कि बात क्या है। अरे आप नहीं समझ रहे हैं, आप ज्यादा बोल रहे हैं, इसीलिए आपको वहां बैठाया गया है। फिर भी आप वहां से बोल रहे हैं। अरे आज को समझाओ जेठालाल। हाँ, मतलब सब हम लोग समझा रहे हैं। आप बैठ जाइए आप। देखिए पांडे जी, आपको जरूर कोई गलतफहमी हो रही है। बिल्कुल देखिए हवलदार शिशुपाल साहब, जेठालाल बहुत अच्छे आदमी है, मेरे परम मित्र, मैं जानता हूँ। ये अपने पिताजी का बहुत सम्मान करते हैं, अपने पिताजी से बहुत प्यार करते हैं। Excuse me. क्या हुआ? अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ सर? Don't move and don't say anything. Sorry. हाँ तो जेठालाल, अगर तुम अपने पिता से इतना प्यार करते हो तो वो घर छोड़कर क्यों चले गए? देखो जेठालाल, हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे। झूठ बोलोगे ना तो पड़ेगा डंडे। अरे चालू जी, पांडे जी मेरी पूरी बात तो सुनिए पहले आप। ठीक है, कानून को अपना निर्णय लेने से पहले गुनहगार को ठीक से सुन लेना चाहिए। मैं गुनहगार नहीं हूँ। वो कानून तय करेगा कि गुनहगार कौन है और कौन नहीं है। जल्दी से मेन बात पर आओ, तो सीधे हवालात में डालूंगा जेठालाल। देखिए मेन बात यही है कि बापूजी सुबह से कहीं चले गए, अभी शाम होने आई है फिर भी वापस नहीं लौटे। इसी बात पर तो तुम पर शक हो रहा है जेठालाल। तुम्हारे पिताजी सवेरे गए और तुम कंप्लेंट लिखवाने शाम को आ रहे। अरे चालू जी, पांडे जी देखिए बात दरअसल ऐसी है कि बापूजी गुस्सा होकर चले गए, तो पहले हमको लगा कि गुस्सा ठंडा होते ही वो अपने आप वापस आ जाएंगे, लेकिन 2-3 घंटे हो गए वो वापस नहीं लौटे, तो फिर चिंता हुई। तो हमने मैंने सब रिश्तेदारों को, उनके दोस्तों को फोन किया, लेकिन उनको किसी को भी बापूजी के बारे में कुछ पता नहीं था। फिर करीब 1-2 घंटे बाद मेरी दुकान से मेरा मैनेजर है नटू काका, उनका फोन है कि बापूजी दुकान पे आए थे और कुछ 33,000 रुपए लेकर चले गए। 33,000 रुपए लेकर चले गए? मतलब तुम अपने बापूजी को खर्चा पानी नहीं देते थे? नहीं ऐसी बात नहीं है जेठालाल, तुम्हें तुम्हारे बापूजी की कोई कीमत ही नहीं है। मेरे लिए मेरे बापूजी आदर्श थे, हैं और रहेंगे। आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने बाबूजी की वजह से हूँ। मैंने बाबूजी की उंगली पकड़कर रेंगना सीखा, रेंगते रेंगते मैंने चलना सीखा और चलते चलते मैंने दौड़ना सीखा। और वही दौड़ मुझे पुलिस ट्रेनिंग में काम आई जेठालाल, और आज मैं एक सफल ईमानदार पुलिस ऑफिसर बन गया। और जेठालाल पता है मेरे पिताजी ना चालू जी, मेरा मतलब पांडे जी, सॉरी बुरा मत लगाना, लेकिन आपके पिताजी की बातें कभी फुर्सत में इत्मीनान से सुने क्या? आपके पिताजी तो आपके साथ ही है ना? हाँ। लेकिन मेरे पिताजी मेरे साथ नहीं है, कहीं खो गए। हाँ सॉरी जेठालाल, जरा मुझे विस्तार से बताओ कि बाबूजी की बहस किस बात पर हुई थी? दरअसल हुआ यूँ कि तुझे इस गंदगी का कोई ना कोई इलाज निकालना ही पड़ेगा, वरना आज मैं पूरी सोसाइटी को हिला दूंगा। अरे शर्म आनी चाहिए तुम सब लोगों को, इस सोसाइटी को साफ सुथरा रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। पता नहीं चाचा जी को क्या हो गया, उनको अचानक गुस्सा आ गया। मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि जब तक इस कचरे की सही व्यवस्था कैसे करनी है उस सवाल का जवाब ढूंढ न लूं तब तक मैं चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा इस सोसाइटी में वापस नहीं आऊं। ऐसा बोल के चले गए और तुम लोगों ने उनको जाने दिया? नहीं जाने नहीं दिया, हमने उनको बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वो साइकिल में बैठे और चले गए। अरे मैं तो साइकिल के पीछे दौड़ा भी, लेकिन वो चले गए, हमारी आवाज ही नहीं सुने। ये कौन है? जिस साइकिल पे चाचा जी भागे हैं वो साइकिल हमारी है। तुम यहाँ क्यों आ गए? अरे क्यों आ गए क्या, साइकिल हमारी है। आप लोग चाचा जी की रिपोर्ट लिखवाने थाने आ रहे थे, तो हमने सोचा कि हम भी चलते हैं, तो हम आ गए। तुम्हें क्या? हाँ शांत हो जाओ। जेठालाल तुम्हारी कहानी सुनकर लगता है गलती इन दोनों की है। अरे हमने क्या किया? एक बुजुर्ग आदमी के साथ बहस की, उन्हें उकसाया, उन्हें मानसिक त्रास दिया, बेसहारा बुजुर्ग को चैलेंज किया, और इसीलिए उन्हें अपने आप को सच साबित करने के लिए सोसाइटी छोड़नी पड़ी। और ये दर्दनाक कहानी है जेठालाल तुम्हारे बाबूजी की। तुम जैसे पड़ोसियों की वजह से पड़ोसी के काम आता है। अब ये भावना बदल जाएगी और बदल चुकी भी है, और अब एक विचित्र समाज बनता जा रहा है। नहीं जेठालाल के बाबूजी तुम दोनों की वजह से सोसाइटी छोड़कर गए, इसलिए मैं तुम दोनों को औलाद में बिठा लूंगा। क्या बोल रहे हैं आप पांडे जी? अरे जेठालाल समझाओ इनको भाई। हाँ जेठालाल समझाओ भाई। पांडे जी आप भूल रहे हैं कि हम गोकुलधाम वासी हैं, और गोकुलधाम वासियों के लिए पड़ोसी सगे से बढ़कर है। क्यों भिड़े? हाँ बिल्कुल, अगर हमें जरा भी पता होता ना कि चाचा जी से भाग जाएंगे तो हम लोग बहस करते ही नहीं, बिल्कुल नहीं करते। हाँ दया बोल। पापा खुश खबर है, बापूजी का फोन आया था, वो सही सलामत है। क्या बापूजी सही सलामत है? हाँ, जेठालाल अपने पड़ोसियों को बचाने के लिए बहाने बना रहे हो? नहीं मैं बहाना नहीं बना रहा हूँ, सच में मेरे घर से मेरी पत्नी दया का फोन है। आपको यकीन नहीं होगा, आप दया के मुंह से सुन लीजिए। दया मैं फोन अब स्पीकर पे करता हूँ, तूने मुझे जो बोला ना वो दोबारा बोल दे, ओके? क्यों? अरे वो चालू जी पांडे जी कह रहे कि बापूजी ये भीड़ और पोपटलाल की वजह से चले गए, तो अभी भीड़ और पोपटलाल को जेल में बंद करना पड़ेगा। हाँ इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मैं स्पीकर पे फोन करता हूँ, तू खाली बोल देना, तू मुझे बोला वही बोल दे। हाँ एक मिनट करता हूँ। हाँ बोल। हाँ बोलिए दया बहन, क्या कहना है? बापूजी खुद अपनी मर्जी से कहीं चले गए थे, हमें कुछ भी पता नहीं था वो कहाँ गए, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले बापूजी का फोन आया कि वो सही सलामत है और यहाँ घर पर वापस आ रहे हैं, तो आप प्लीज अभी भीड़े भाई और पोपट भाई को छोड़ दे प्लीज। और पांडे साहब आपके बारे में बहुत सुना है, आप में स्त्री दक्षिणा की भावना है, आप औरतों का बड़ा सम्मान करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, तो आप मुझ पे एक भारतीय नारी की बात पे भरोसा नहीं करेंगे? हाँ मुझे भरोसा है दया पे, मैं औरतों का बहुत सम्मान करता हूँ, मेरी माँ ने मुझे यही सिखाया है। मेरी माँ मेरे लिए आदत थी, है और थे। आज मैं जो कुछ भी हूँ ना अपनी माँ की वजह से। मैंने माँ की उंगली पकड़कर रेंगना सीखा, रेंगते रेंगते मैंने चलना सीखा और चलते चलते मैंने दौड़ना सीखा। और वही जी पांडे जी ये सब तो अभी आप अपने पिताजी के लिए कह रहे थे। अरे मेरे दो हाथ है ना, एक बाबूजी पकड़ते थे, एक माताजी पकड़ती थी, और ऐसे ऐसे करके मैं चलता था। चालू जी पांडे जी भारती अनारे फोन पे अभी भी है तो क्या कहे उनको? हाँ बोलिए दया बहन। तो पांडे साहब आप प्लीज सब लोगों को छोड़ दीजिए ना, प्लीज रिक्वेस्ट। हाँ दया बहन मैं इन लोगों को छोड़ दूंगा। थैंक यू सर। ठीक है दया तो हम लोग अभी घर आ रहे हैं। ओके थैंक यू। चल हाँ आ रहे हैं अभी। ओके ये तो सॉल्व हो गया ना, अब आप लोग जा सकते हैं। उनको भी लेके जाना। दया का फोन आया था, बापूजी के घर पे फोन आया था। अच्छा हाँ सही सलामत है। बाल करते हो हाथी भाई, ऐना कुछ हो गया और तुसी मैंने कुछ दसिया ही नहीं। थोड़ी तुम बिजी थे ना। हाँ ओए हाथी भाई ये गोकुल धाम मेरा परिवार है और मेरे लिए मेरे परिवार से बढ़कर कुछ नहीं। सुनिए तू भी मैंने कुछ नहीं दसिया। रोशन तुझे टेंशन ना होना, इसलिए हम में से किसी ने भी तेरे को फोन नहीं किया। और सोड़ी भाई वैसे भी हम सब तो थे ना। वो ऐसी गलते दुख है, आप सब थे बस मैं ही नहीं था। थोड़ी तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे हम तुमको छोड़ के पिकनिक पे चले गए और खूब खा पी रहे हो। अरे सॉरी तेरे जैसा मैं भी काम पर गया था, जस्ट अभी आया हूँ। नाराज में कोई फायदा नहीं है, चंपक चाचा मिल गए ना। मिल गए। आने दो चाचा जी को, आज मैं उनको बताऊंगा कि ये सोडी उनसे कितना प्यार करता है। अरे सोडी सोसाइटी में चाचा जी को सिर्फ तुम ही नहीं सभी लोग प्यार करते हैं, क्या है ना? हाँ बिल्कुल। बस भगवान करे चाचा जी जल्दी वापस आ जाए ताकि अब हम सबको चैन आए। हाँ खरच से हो, एक बार चाचा जी आ जाए तो जेठा भाई का इन पर का गुस्सा उतर जाए। बापू जी और टप्पू के पापा आ जाएंगे ना तभी जीव में जीव आएगा। अरे अभी तक आप लोग कहाँ थे? ये मत पूछिए आते भाई, बस बाल बाल बचे हैं भगवान की कृपा से। क्या हुआ तारक? मुझे हुआ कीजिए सोडी वो सब बातें बताते, ये बताओ चाचा जी आए? नहीं ना, यानी अभी तक मेरी साइकिल नहीं आई है। अरे भाई तुम्हें तुम्हारी साइकिल मिल जाएगी भाई, तुम शांति रखो जरा 2 मिनट। दया बापूजी ने फोन किया था, एग्जैक्टली क्या कहा तुमसे? बापूजी ने ऐसा कहा था कि वो सही सलामत है और आधे घंटे में आ जाएंगे। पर आधा घंटा तो हो गया, अभी तक क्यों नहीं आए बापूजी? हाँ वो एक तो समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ रह गए होंगे बेचारे बापूजी। चिंता मत करो दया भाभी, जेठालाल आते ही होंगे, चाचा जी ने बोला आधे घंटे में आ जाएंगे तो भी आ जाएंगे। हाँ बस जल्दी आ जाए। हाँ चाचा जी आए तो मालूम पड़ेगा की क्या हुआ है। एक मिनट यार भाई, जब भी बापूजी आएंगे तो उनसे कोई कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ मैं उनसे बात करूंगा, ठीक है? ओके। लो चाचा जी आ गए। चाचा जी बोला कभी समझ नहीं आ रहा। सॉरी सॉरी बापूजी, बापूजी कहाँ चले गए थे आप? बापूजी बापूजी बस बस शांत हो जाओ सब लोग। अच्छा बेटा सुनो, यहाँ आओ, ये तुम्हारी साइकिल, आज तुम्हारी साइकिल मुझे बहुत काम आई और मेरी वजह से तुम्हारा आज का पूरा दिन बिगड़ा, इसके लिए तुम ये रखो। अरे मैं देता हूँ ना बापूजी। चाचा जी ये हमारी साइकिल तो नहीं है? अरे बेटा ये तुम्हारी ही साइकिल। नहीं वो बराबर बोल रहा है बापूजी, ये साइकिल उसकी नहीं है। अरे क्या नहीं है, ये इसी की साइकिल है। नहीं वो खुद कह रहा था, वो पड़ोसी की साइकिल लेके आया था। अच्छा अच्छा हम वही कह रहे हैं कि हम अपने पड़ोसी की साइकिल लेके आए थे, लेकिन वो साइकिल नहीं है। अगर भाई ऐसा का गोंधल है। अरे बेटा, ये वही साइकिल है। ये सीट मैंने नहीं डलवाई और इसकी चेन भी बदलवा दी, और इसमें घंटी नहीं थी ना, तो मैंने घंटी डलवा दी। ये तुम्हारी ही साइकिल है। हाँ, इसीलिए पहचान में नहीं आ रही है। चाचा चाचा जी जरा पकड़िए। तो कोई बात, मैं पकड़ता हूं, छोड़ो। चाचा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चाचा आपको अगली बार भागना हो तो मेरी साइकिल लेके ही भागिएगा। अरे ओ भाई नहीं, अभी बापूजी का काम भगाना है तुमको। भाई बापूजी कभी नहीं भागेंगे, अभी बापूजी नहीं भागेंगे। बापूजी थैंक यू। हो गया, मिल गई साइकिल अब। हाँ मिल गई, तुम निकलो अभी, चलो निकलो। अच्छा अच्छा जी प्रणाम। अरे चलो 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 आराम से, आप सभी लोगों को प्रणाम। अरे इधर अब। हाँ चाचा जी, गोकुल धाम में आपका स्वागत है। चाचा जी आप सुबह से कहाँ चले गए थे? हाँ चाचा जी, तो आखिरकार चंपक चाचा गोकुलधाम सोसाइटी में सकुशल लौट आए। ईश्वर का आशीर्वाद, और साइकिल वाले को उसकी साइकिल भी मिल गई, नई चेन, नई घंटी और नई सीट लगा के। लेकिन अभी भी कुछ प्रश्न अनुत्तरित हैं कि आखिर चंपक चाचा गए कहाँ थे, और जो 33,000 रुपए लेके गए थे उनका क्या हुआ। इन सवालों के जवाब मिलेंगे, लेकिन इतना जरूर वादा है मेरा कि इन सवालों के जवाब आज तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर तय है कि इन सवालों के जवाब जब भी मिलेंगे आपके घरों में होगी हंसी और ठहाके। और एक बड़ा ही रोचक प्रश्न अभी भी मेरे दिमाग में उमड़ घुमड़ रहा है, आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि चंपक चाचा जब गए थे गोकुलधाम सोसाइटी से तो कह के गए थे कि वो कचरे का सोल्यूशन नहीं मिल जाता तब तक नहीं लौटेंगे। तो अब क्या कचरे का सोल्यूशन मिल गया? क्या है वो सोल्यूशन? भाई जो कुछ भी होगा गोकुलधाम सोसाइटी में होगा हंगामेदार। तो अब चाचा जी का नया सॉल्यूशन या चाचा के दिमाग में क्या है, ये सब आपके घरों में उठा के लाया गई और लाएगा हंगामे गोकुलधाम सोसाइटी। देखते रहिए, हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.